बीते 3 दिसंबर को एनसीआरबी की तरफ से एक रिपोर्ट जारी करी गई थी। उस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि सेफेस्ट सिटी कुछ इंडिया की सेफेस्ट सिटीज कौन सी हैं। टॉप 5 सिटीज में जो आई हैं वो हैं कोलकाता, कोयम्बतूर, चेन्नई, सूरत, पुणे। ये टॉप 5 सिटीज हैं। एनसीआरबी के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। एनसीआरबी जो है एक डाटाबेस की तरह काम करता है। जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं उनका फिंगरप्रिंट का डाटा एनसीआरबी के पास रहता है और दूसरा जो जितने भी क्राइम्स होते हैं उन सबका डाटा भी एनसीआरबी के पास रहता है। अब ये जो सेफेस्ट सिटी आई हैं इनका कुछ क्राइटेरिया था, कुछ रेटिंग थी। रेटिंग इनकी जो करी गई है वो करी गई है आईपीसी रेटिंग। आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड। अब इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो इस रेटिंग को लाने का, वो ये है कि जितना भी उस सिटी में क्राइम होता है डिवाइडेड बाय उस सिटी की टोटल पॉपुलेशन, इनका जो सम आता है उसे 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब उस 1 लाख को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका सम आता है उसे आईपीसी रेटिंग कहा जाता है। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया था इन रेटिंग के बाद। ये जो 19 सिटीज इसमें ली गई थी जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से ऊपर थी, इनमें कुछ क्राइटेरिया भी था। क्राइटेरिया ये था कि जहां पे जितने क्राइम हुए हैं वो सारे क्राइम इसमें गिने जाएंगे, जितनी चार्जशीट फाइल हुई हैं, जितनी एफआईआर लिखी गई हैं, ये सारे इसके क्राइटेरिया थे इस सेफेस्ट सिटी के को नापने के लिए। अब जो बच्चे उन सिटीज से यहाँ पे पढ़ने आए हैं, एक बार उन बच्चों से बात करेंगे, उन स्टूडेंट से बात करेंगे कि उनको कैसा लगता है, उनकी सिटी के बारे में जो भी डाटा आया है या फिर उनको दिल्ली में आने के बाद कोई प्रॉब्लम है या कैसे उन लोगों ने मिक्स किया, एक बार उनसे बात करेंगे। ऑब्वियसली आई फील प्राउड कि मेरी सिटी को सबसे सेफेस्ट सिटी माना गया है। उसके रीजंस भी हैं, लाइक जैसे अगर मैं कहूँ हम रात को घूम सकते हैं, हमें किसी चीज़ का डर नहीं रहता है, क्राइम रेट कम है। ये नहीं कहूँगा कि क्राइम रेट है ही नहीं, लेकिन क्राइम रेट बाकी सिटीज से कम है वहाँ पे। अभी जैसे क्रिसमस का टाइम है तो देख लीजिए, आपको क्रिसमस के टाइम पे कहीं भी ऐसी न्यूज़ नहीं मिली होगी कि वहाँ पे इसने इसको मारा या इसने इसको मारा। तो ये सब फैक्टर्स जब हम इनकी बात करते हैं तो ऑब्वियसली कोलकाता को फर्स्ट आना ही था। एंड आई फील वेरी गुड जब एनसीआरबी की रिपोर्ट विच इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो सारे रिजल्ट्स वगैरह निकालती है, उसमें कोलकाता सबसे ऊपर आया है। मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि कोलकाता में ये सब कभी हुआ ही नहीं है, लेकिन कम होता है इन कंपैरिजन टू अदर सिटीज। एंड ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, तो आपकी एनसीआरबी की रिपोर्ट ही कह रही है। देखिए एफआईआर, चार्जशीट वगैरह सब जुडिशियल प्रोसेस है। अगर मैं एक नॉर्मल चीज की भी कंप्लेन करने जाऊं तो उसमें एफआईआर होगी, लेकिन उसका रिजल्ट भी आता है। बाकी स्टेट्स का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे स्टेट में तो उसका रिजल्ट भी आता है। विक्टिम को, अगर कोई विक्टिम है तो उसे जस्टिस भी मिलता है और बहुत टाइमली और स्पीडी जस्टिस मिलता है उसको। पुणे बहुत सेफ है, इनफैक्ट कैब्स देने में कोई दिक्कत नहीं होती। रात को कैब्स दे रहे हैं तो इट्स वेरी सेफ, पीपल आर वेरी कोऑपरेटिव, दे आर वेरी नाइस कि आप मतलब स्ट्रैंडेड हो तो कोई आपको उठा के ले जाएगा। एंड इट्स नॉट कि यू फील कि अगर मैं इस गाड़ी में घुसी तो मैं कहाँ पहुँचूंगी। इट्स वेरी इन दैट वे इट्स वेरी रेयर टू हैव अ सर्कमस्टांस वेर यूर अनसेफ, लाइक इट वुड बी इन क्लब्स टू बी वेरी स्पेसिफिक। एट नाइट 2-3 बजे अगर सुबह हो तो उस टाइम पर यू फील कि ओके दैट इफ़ यूर इन अ क्लब देन यू टू बी वेरी यू नो केयरफुल। बट आई हैव स्पेंड लाइक नाइट्स आउटसाइड लाइक विदाउट एनी यू नो, एंड आई हैव नॉट फेल्ट कि ओ नाउ आई हैव टू बी यू नो वेरी कॉशियस ऑफ माय सराउंडिंग। मैं रात को बाहर निकलूँ तो इवन विद अ ग्रुप ऑफ पीपल ना थोड़ा सा डर लगता है, एंड आई थिंक दैट्स नॉट देयर इन पुणे। वहीं पे दिल्ली अभी भी सबसे अनसेफ सिटी बनी हुई है। इसी को लेके आज हम दिल्ली के लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या सच में दिल्ली उनके लिए अनसेफ है या क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। दिल्ली पूरी तरह हमें तो लग रहा है सेफ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बाकी थोड़ी बहुत तो खुद सावधानी भी बरतनी पड़ती है। बस ये है महिलाओं के लिए थोड़ी बहुत रात में जब निकलती हैं तो थोड़ी दुविधा होती है, असुविधा होती है, बाकी वैसे सेफ है। दिल्ली तो सेफ है, ऐसा नहीं है कुछ कि ज़्यादा किडनेपिंग या लूटपाट हो, ऐसा नहीं है कुछ। दिल्ली तो काफ़ी सेफ है। वुमेंस के लिए, लेडीज़ के लिए कैसे? हाँ, लेडीज़ के लिए भी सेफ है। नहीं, हम लोग के साथ कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। हम लोग रात को भी आते जाते हैं, 12-1 बजे 2 बजे भी आए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ हम लोग के साथ अभी तक। सेफ है भैया, क्या बोले हम, अभी ज़्यादा निकलते नहीं है बट सेफ है, ठीक है। पहले से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, तो बच्चे भी अपना आ जाते हैं 8:00-9:00 तक घर पे आ जाते हैं। तो पहले से असर हुआ है? हाँ, पहले से थोड़ा तो चेंज हुआ है। आपके अकॉर्डिंग मैम पहले से कैसा कुछ चेंज? नहीं, बहुत चेंज हुआ है। मतलब अब बच्चे कोचिंग जा रहे हैं तो वो आ जा रहे हैं, ज़्यादा चिंता नहीं रहती हम लोग को।
बेसिकली जो एनसीआरबी का डेटा है वो होम मिनिस्ट्री रिलीज करती है, जिसके डिफरेंट डिफरेंट अंडर फैक्टर्स रहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द इनका जो रहता है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहती हैं। अगर मैं सूरत की बात करूँ तो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सूरत ओनली, तो एज कम्पेयर टू दिल्ली वो बहुत ही सेफ सिटी है, बहुत ज्यादा। उसका बहुत सारे फैक्टर्स है, पहले बात कह सकते हैं ड्राई स्टेट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हीनियस क्राइम जो होते हैं उनके पीछे होता है कि जो अक्यूज होता है वो इज बेसिकली इन ड्रंकन स्टेट, तो एज कम्पेयर टू अदर स्टेट ये वन ऑफ द फैक्टर है जिसकी वजह से सूरत एक बहुत ही सेफ सिटी है। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो जब मैं आई हैव बीन इन दिल्ली फ्रॉम लास्ट 4 ईयर, तो यहाँ पे और सूरत को बहुत बहुत मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा गैप है। यहाँ पे बेसिकली हाँ मैं देखता हूँ बेसिकली मेरे जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं फीमेल्स हैं उनको बाहर जाने आने में रात में दिक्कत होती है, बट ऐसा सूरत में बिल्कुल भी नहीं है। कुछ का मानना है कि शायद ड्राई स्टेट है उसकी वजह से क्राइम्स में कमी है, कुछ का कहना है कि लोग फ्रेंडली हैं इस वजह से क्राइम में कमी है। जो सिटी है जैसे कि कोलकाता 3 साल से नंबर 1 पे बनी हुई है, जैसे कि आपने बच्चे को सुना कि वो 3 साल से नंबर 1 पे, क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई। आगे और इसी तरीके की स्टोरीज देखते रहिए मोजो स्टोरी पे। कैमरामैन अनूप के साथ मैं सक्षम शर्मा।